ओम नमः शिवाय। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिससे मेरा भाग्य बदल जाए? क्या इस भूलोक में ऐसा कोई रत्न है जो मुझे धनवान बना दे? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि मैं अपने घर में किसी रत्न को विशेष स्थान दूं और मातेश्वरी की कृपा मुझ पर हो जाए? तो जब जब मेरे मन मस्तिष्क में ये सवाल गूंजने लगते हैं, तब तब मुझे एक ही रत्न का नाम याद आता है, और वो है दक्षिणावर्ती शंख। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक रत्न दक्षिणावर्ती शंख भी है। इसको लक्ष्मी शंख भी कहा जाता है, और ऐसी मान्यता है जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रहेगा वहां पर धन संपत्ति अपार मात्रा में होगी। व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता जहां पर कि ये दक्षिणावर्ती शंख रहेगा। इसके दर्शन मात्र से कार्यों की सिद्धि हो जाती है। बिना दक्षिणावर्ती शंख को देखे आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जब भी कभी आप कहीं जाएं तो दक्षिणावर्ती शंख को देख लीजिए, तो उस कार्य को पूरा होने में दक्षिणावर्ती शंख आपकी सहायता करेगा। दक्षिणावर्ती शंख को अपने मंदिर में रखने से आप अपार धन संपदा पा सकते हैं, और दक्षिणावर्ती शंख जो है वो माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है। तो जिस घर में भी दक्षिणावर्ती शंख रखा जाएगा उस घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा। ये एक ऐसा रत्न है जो आपको कंगाली से अमीरी तक ले जा सकता है, आपको धरती से उठाकर चांद सितारों में बिठा सकता है। दक्षिणावर्ती शंख दो प्रकार का होता है, नर मादा। इनमें से आप कोई भी अपने घर में रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप शंख लें उसकी आकृति कैसी है, उसमें कोई दोष तो नहीं, जरा सा भी टूट फूट उसके शुभ फल को अशुभ फल में बदल सकती है। जब भी आप दक्षिणावर्ती शंख लें तो सबसे पहले शंख को अच्छी तरह देखें, वो श्वेत वर्ण का हो और चंद्रमा के जैसी उसकी कांति होनी चाहिए। जब आप सब कुछ देख लें तो ये भी सुनिश्चित करें कि उसमें कोई काला दाग ना हो, कहीं से टूट फूट ना हो। अगर ऐसा कुछ आप अपने शंख में पाते हैं तो उस शंख को अपने घर में कता भी ना रखिए, ये अशुभता को न्योता होगा, सीधा सीधा अशुभता को न्योता। तो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए श्वेत वर्ण का, श्वेत कांति का ऐसा शंख ढूंढिए जो कि चंद्रमा की कांति जैसा हो, ना ज़्यादा चमकीला ना ज़्यादा डल, बस आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ यही वो है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस पर बड़ा रिसर्च किया है। मैंने नाना प्रकार के शंखों को देखा है और उनकी शक्तियों को लोगों पर आजमाया है। जहाँ खाने को पैसे नहीं थे वहाँ पर इस शंख ने चमत्कार कर दिए। आज वही लोग फल फूल रहे हैं जिनके पास नौकरी तक नहीं थी। इस शंख ने कुछ ऐसा कर दिया कि इसको मुझे अपनी पुस्तक में लेने में कोई हर्ज नहीं हो रहा। जब मेरा एक ग्रंथ बनकर तैयार होगा तो उसमें इस शंख को मैं एक विशेष स्थान दूंगा। दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में जरूर रखिए, ये नाना प्रकार की बुराइयों को आपसे दूर रखेगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो सारी आपके घर से दूर ही रहेंगी, कोसों दूर। तो अगर आप भी मेरी तरह इच्छुक हो इन पौराणिक चीज़ों को अपने घर में रखने के लिए, तो सबसे पहले आप एक दक्षिणावर्ती शंख को जो है तलाश करना शुरू कीजिए। और ऐसी मान्यता है कि आप शंख को नहीं ढूंढते, शंख खुद ब खुद ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आपकी नज़र सीधी किसी शंख पर पड़ जाए,
तो जरा सा भी ना चूकिएगा, सीधे उस शंख को ले लीजिएगा। और याद रखिए, दक्षिणावर्ती शंख ही आपको लेना है। अगर किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए इसमें तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। धन्यवाद।